this one? Milk coffee. Yes. Okay. One piece still. Oh, very expensive, bro. Chane. कुछ तो वहाँ पे देखो टोमेटो वगैरह प्याज वगैरह सब बेच रहे हैं. मिल्क कॉफी नो. ओके वन कॉफी. हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? नेम ओपचाक. माय नेम इज आर. गुड नेम. हाय. 10 बीर. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का. और वहाँ भी 40-45 दिन में घर पे आराम करके रेस्ट करके और फिर से एक और इंटरनेशनल ट्रिप शुरू करने जा रहे हैं हम लोग. और अभी मैं हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे. यहाँ से मेरा एडिस अबाबा के लिए फ़्लाइट है. बाकी इथियोपिया का मैं इस बार नॉर्थ पार्ट भी विजिट करने में हूँ. पहले फिक्स एक साल पहले मैंने साउथ पार्ट विजिट किया था. साउथ सूडान भी मेरा विजिट करने का प्लान है. साउथ सूडान का ई-वीज़ा है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि वो लोग है जो फिर से इनविटेशन लेटर मांगते हैं. अब उनके लिए इन्विटेशन लेटर कहाँ से लाए? अभी तो यहाँ से इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया पूरा. फ्लाइट रिटर्न फ़्लाइट मांगी है. मेरी फ़्लाइट दुबई से जा रहा हूँ. रिटर्न फ़्लाइट मांगी है इथियोपिया से. और कहीं आप जा रहे हो तो मैंने इथियोपियन एयरलाइन से मैंने फ़्लाइट बुक की है. उसमें इथियोपियन एयरलाइन एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप ना टिकट बुक कर सकते हो और पेमेंट है जो होल्ड पे रख सकते हो. आप शायद 24 आवर्स ऐसे कुछ पेमेंट करना होता है. यदि उसमें नहीं करते हो पेमेंट तो वो आपका फ़्लाइट बुकिंग कैंसिल कर देंगे. तो मैंने वो पेमेंट नहीं किया था, वो शो कर दी थी मैंने, तो उससे चल गया मेरा काम. अभी मैं पहुंच गया यहाँ पे दुबई. यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है मेरी अड्डी सवाबा के लिए. और ये है फ्लाइट, दुबई से ही जा रहे हैं हम लोग वापस. बिल्कुल समुद्र के बीच में क्या जबरदस्त आइलैंड बना रखे हैं दुबई ने. छोटे छोटे ये आइलैंड बनाए गए हैं यहाँ पे रेड डाल के, और ये आइलैंड अलग से बनाए गए हैं. अब आप देख सकते हो पूरे समुद्र के बीच में रेड डाल के आइलैंड बनाना. और ये देखो दुबई शहर. और यहाँ पे आ गया अब अपना खाना. और यहाँ पे देखो यार, मैं पहले कभी दिखाया नहीं. वैसे मैं फ्लाई दुबई में काफ़ी बार ट्रेवल कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे छोटी सी एक डिब्बी देते हैं पानी के पास. वैसे मैंने दो मांगी इन लोगों से, भाई दो एक से कुछ नहीं होने वाला. और यहाँ पे चिकन कौरमा, मैंने यहाँ पे वेजिटेबल और चिकन कौरमा दो ऑप्शन अवेलेबल थे. तो अभी थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं और फिर चलते हैं एडिस अबाबा. सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इथियोपिया में. और 28 नवंबर 2021 को मैं एक बार पहले भी इथियोपिया आया था. तो आप सबसे पहले यहाँ पे चल के करते हैं इमिग्रेशन का फॉर्मेलिटीज पूरी. इमिग्रेशन इथियोपिया का ई वीज़ा ले रखा है मैंने. और अब देखते हैं न्यू दिल्ली में तो सारा सब फ्लाइट रिटर्न फ्लाइट होटल वगैरह सब पूछा था. यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मांगते हैं मेरे से. इमिग्रेशन हो तो इतना स्मूथ हो इथियोपिया जैसा. भाई कुछ नहीं पूछा यार, केवल बंदे ने एक चीज़ पूछी कि भाई कहाँ से हो. मैंने कहा इंडिया से. बस उसने थप्पा लगाया और जाओ. कितना लगा हुआ? 40 सेकंड, 50 सेकंड, बस इससे ज़्यादा नहीं लगा यार इमिग्रेशन प्रोसेस में. क्या या हमें यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया नॉट पाकिस्तान. यू आर फ्रॉम सऊदी अरेबिया. ओह नाइस. ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड. और अभी यहाँ पे सर्दी है भाई. नवंबर, आज कितनी तारीख है, लास्ट नवंबर चल रहा है और यहाँ पे सर्दी जबरदस्त है. जबरदस्त तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने अच्छा किया मैं ये जैकेट लेके आया हूँ इंडिया से. ये ठीक रहा. मैं जब फ्लाइट में बैठा था ना, तो मैं सोच रहा था मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इतने भारी जैकेट को मैं वहाँ पे ले जाके करूँगा क्या. लेकिन अब यहाँ पे लग रहा है कि इसको यहाँ पे लाके ठीक ही किया मैंने. डन भैया, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए. अच्छा हो. हिंदी जानता है तुम यार? हिंदी जानता है? हिंदी जानते हो? व्हाट अबाउट या आई एम जस्ट भैया आई एम अ यूट्यूबर. भाई या आई एम अ यूट्यूबर. डोंट वरी अबाउट दिस. ये भाई बोल रहा है इसको कैंसिल करो. डोंट वरी, नॉर्मल ब्रो. टू विजिट इथियोपिया. आई विल विजिट इथियोपिया फॉर 15 डेज.
सो यहाँ से ले लिया टैक्सी, मैं रुकने वाला हूँ आज मैड वेरवेट हॉस्टल है जिसमें मैं लास्ट टाइम भी रुका था। तो वहाँ यहाँ से टैक्सी का जो किराया वो है 200 बिर है, जो ठीक ठाक है नाइट के टाइम पे 200 बिर इतना तो देना बनता है यार। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कल मैं आ गया था रात को यहाँ पे अडीसा बाबा, और अभी मैंने आपसे मनी एक्सचेंज करवाया है। मनी एक्सचेंज का $1 का वैसे तो आप ऑफिशियल रेट है वो है 53 बिर, और यदि आप लोग ब्लैक से जाते हैं तो आपको मिलेगी 93 बिर। ऑलमोस्ट भाई आधे का 50% का डिफरेंस आ जाता है। तो मैं आप लोगों को अभी वो जगह भी दिखा दूंगा जहाँ से मैंने एक्सचेंज करवाया। अभी मैंने यहाँ से $100 एक्सचेंज करवाए तो मुझे मिले 9,300 बिर, और ऑफिशियल रेट है 5,300 बिर। दिन रात का फ़र्क है भाई, तो ये आधा आधा ज़्यादा मिल गया। तो कभी भी आप आओ इथियोपिया आओ तो ये मनी एक्सचेंज एयरपोर्ट या बैंक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है आप लोगों को। आप लोग है जो सीधा ब्लैक मार्केट जाओ या किसी बंदे से कांटेक्ट करो कि भाई मुझे ब्लैक मार्केट बता दे कहाँ से वो 100-200 बिट लेगा। 150 बिट दे देना, 100 बिट दे देना उसको, बस इससे ज़्यादा नहीं देना। तो और ये देखो ये है अडीस अबाबा। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे एक लोकल शॉप है, यहाँ से थोड़ा कॉफ़ी वॉफी पीऊँगा मैं यहाँ पे। देखो इथियोपिया की कॉफ़ी है जो बहुत फेमस है भाई, और अंदर है जो थोड़ा पिज्जा विज्जा खाऊँगा। हेलो ब्रदर, वाई आर यू सो सीरियस? यू आर लुकिंग सो सीरियस। तो अभी यहाँ से ये देखो यहाँ से, और ये एक भाई से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको, ये है लोहित कन्नड़ ट्रेवलर। इस भाई से मैं आज ही मिला हूँ। ब्रो हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रदर, हाउ आर यू पीपल? आर यू गुड? ऑल पीपल आर गुड, ऑल पीपल आर गुड। सो इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं जो नाम और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा लिंक है जो। और फिर मैं इथियोपिया जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ ना उसी हॉस्टल में रुके हैं हम लोग, साथ साथ ही रुके हैं अभी। तो अभी थोड़ा खाना पीना खाएंगे और फिर देखते हैं आज का प्लानिंग क्या होता है हमारा। हेलो ब्रदर, टू वेजिटेबल सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, वन फ्रेंच फ्राइज, टू वेजिटेबल सैंडविच। ओ ब्रो व्हाट आर यू डूइंग? ओनली बर्गर एंड पिज्जा। तो अभी यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है स्ट्रॉबेरी जूस जो है 70 बीर का, और लोहित ने किया है अवाकाडो जूस जो है 60 बीर का। स्ट्रॉबेरी अवाकाडो क्या? यहाँ के 8 बजे, 10:30 बजे होंगे, 10:30। अभी मुझे जाना है यहाँ से सूडान एम्बेसी, जो कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है, और उसका जो टैक्सी का किराया है वो है 200 बिर। फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे इथियोपिया आते हो तो डॉलर लेके आना, बहुत सस्ते में निपट जाएगा। यदि डॉलर नहीं लाते हैं और यहाँ आप लोग यहाँ से ATM से विड्रॉ करते हैं तो आप लोगों को डबल प्राइस देनी पड़ेगी। डॉलर लाते हैं तो आप लोगों को ऑलमोस्ट डबल प्राइस मिल जाएगा यहाँ का। एक एक जो बिर है ना उसमें लगभग 1.5 इंडियन रुपीज़ है। इंडिया की करेंसी वीक है इथियोपिया की, कंपेयर मैं कंपेयर करूँ इथियोपिया से तो। अभी किस हिसाब से वीक है वो तो मेरे को भी समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या है वीक होने जैसा। और जो अडीस अबाबा सिटी है ना वो आपको देखने से लग रहा होगा काफ़ी क्लीन है। यहाँ पे हर जगह कचरा पट्टी नहीं मिलेगा, हर जगह जैसे कई कई होता है ना अफ्रीकन कंट्रीज में कचरा पट्टी गिरा हुआ मिलता है, वैसा यहाँ पे नहीं है। काफ़ी क्लीन दिख रहा है यार, अच्छा लगता है ऐसे ही अफ्रीकन कंट्रीज़ को देख के, आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग जिस एरिया में घूम रहे हैं ना ये है मेक्सिको स्ट्रीट, यहाँ पे सूडान एम्बेसी है यहीं पास में है। अभी हम लोग साउथ सूडान एम्बेसी भी जाके आ गए लेकिन इन्विटेशन लेटर मांग रहे हैं, सूडान वाले भी इन्विटेशन लेटर मांगेंगे लेकिन एक बार ट्राई तो करे थे कि वीज़ा मिल जाए, बस सूडान और साउथ सूडान का वीज़ा मिल जाए नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन मेरे पास इजिप्ट रहेगा। अभी हम लोग जाके आए सूडान एम्बेसी जाके आया हूँ मैं, और सूडान एम्बेसी वाली यार साउथ सूडान वाले मांग रहे हैं इन्विटेशन लेटर, और सूडान वाले मांग रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सूडान ऐसे करके कोई मिनिस्ट्री है वहाँ से एंट्री परमिट मांग रहे हैं कि हम लोग वहाँ एंटर होंगे, वो हमें परमिशन देगी उसके बाद ये लोग हमें वीजा देंगे। तो सामने ही है साउथ सूडान एम्बेसी, वो देखो सामने ही है, वो सामने वो दिख रहा है, वो गेट दिख रहा है, वो साउथ सूडान एम्बेसी है। सो लेट्स सी साउथ सूडान का वीजा, सूडान और साउथ सूडान का मिल गया, सूडान का नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं है। साउथ सूडान का मिल जाए तो भी ठीक है, सूडान का मिल जाएगा तो फिर हम लोग इजिप्ट में इजिप्ट चला जाऊंगा। सो गाइज अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, एक्चुअली हम लोग सूडान एम्बेसी जाके आए थे और मैं भी आया हूँ। हाय, फाइन फाइन, यू आर गुड? यस
अभी मैं इस मोहतरमा की है जो कॉफी शॉप में कॉफी पीने आया हूँ, और यहाँ की कॉफी पूरी दुनिया में फेमस है। ये देखिए कॉफी बीन्स को ऐसे पहले गर्म करते हैं, बेक करते हैं। या वेरी गुड, आई लाइक इथियोपियन कॉफी। ये दिखाता हूँ यार हम लोग कहाँ पे ठहरे, वो वहीं पे हमारा हॉस्टल वहीं पे, और ये छोटा सा कॉफी शॉप है एक, ये मोहतरमा का कॉफी शॉप है। मैं यहाँ पे कॉफी पीने आया हूँ। इथियोपियन कॉफी इतनी जबर इतनी हार्ड होती है ना, यदि आप लोग इथियोपिया आते हो और इथियोपियन कॉफी ट्राई नहीं करते हो तो भाई इथियोपिया आने का कोई मतलब नहीं है। या बिग वन व्हाइट कलर, व्हाइट कलर द लाइक दो से इट विल राइट या टू सुगर, यू सुगर आई नीड मोर सुगर, नीड मोर सुगर आई थिंक टू आई हैव। सो आई डू हैव डिफरेंट कप, दिस इज फॉर मिल्क कॉफी। यस ओके नाइस फॉर मी ब्लैक कॉफी राइट, ओनली ब्लैक कॉफी। या थैंक यू। No, I have 10. Yeah, you can give later. Later we will come back. Okay. Yeah, sure. See you. ये देखो भाई हम ये एडिस अबाबा की, मैंने आपको बहुत क्लीन एडिस अबाबा दिखाया था, अभी हम लोग जिस गली में है ना, ये काफ़ी डर्टी सी लग रही है मेरे को। और अब मुझे यहाँ से लेना है, अभी वहाँ पे कॉफ़ी वॉफी पी लिए, मुझे लेना है यहाँ से सिम कार्ड, और हरार जाना है तो हरार के लिए मुझे यहाँ से बस टिकट लेना है, बस पता करनी है हरार के लिए, यहाँ की बस स्टेशन जाना है। तो अभी सबसे पहले मैं देखो पहली बार ऐसा हुआ मैं किसी कंट्री में गया हूँ और दूसरे दिन शाम तक मैंने सिम कार्ड नहीं लिया, और सबसे पहले आते ही पहला काम होता है सिम कार्ड लेने का। यहाँ से ले लिया सिम कार्ड एक्टिवेट करवा लिया। सिम कार्ड का प्राइस पड़ा है 330 बिर, जो कि एक वीक के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट है। इंटरनेट कैसा है, घटिया है, बढ़िया है, वो तो थोड़ा यूज़ करके बताएंगे। और 330 बिर में एक बिर में मान लो 1.52 रुपया होता है, इंडिया की करेंसी बहुत हुई भाई इथियोपिया की कंपेरिजन में भी। अब आप लोग इंडिया कहाँ जा रहा है आप लोग देख लो यार। तो वो हमने अच्छा किया कि हम लोगों ने यहाँ से डॉलर ले आए और डॉलर एक्सचेंज करवा लिया। तो अब देखते हैं वो हम लोग टैक्सी लेके, और हरार जाने का विचार हमारा कल, हरार में जो हाइना फीड है वो देखने का विचार है, हाइना को फीड करेंगे वहाँ पे जाके। और अभी हरार के लिए हम लोग बस स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से बस लेने के लिए, कल हम मॉर्निंग में बस लेंगे यहाँ से हरार के लिए। शाम का माहौल कुछ ऐसा है एडिस अबाबा में, अभी यहाँ पे क्या है कि शाम को सभी लोग हैं जो अपने अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं। व्हाट इज द ऑफिस टाइमिंग ब्रो हियर इन द मॉर्निंग? व्हाट ऑफिस टाइमिंग? 2:08 8 o'clock राइट? ओह माय गॉड, यू नीड टू गो ऑफिस वेरी अर्ली। या वेरी अर्ली। ओह इफ यू कैन टू एंड इन द इवनिंग क्लोजिंग टाइम? क्लोजिंग टाइम या 5:30 या यू हैव टू वर्क अ लॉट ब्रो। यहाँ पे जो ऑफिस ओपनिंग टाइम है वो 8 बजे का सुबह मॉर्निंग में, और शाम को क्लोजिंग टाइम है 5:30 का। तो आप देख लो अपने 10 बजे ऑफिस खुलते हैं और शाम को 5:30 बजे के लगभग सब बंद हो आते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को कुछ ज़्यादा काम करना पड़ता है मुझे ऐसे लग रहा है। और अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे हरार के बस स्टेशन पे। यहाँ से हमें हरार के नहीं, यार एडिस अबाबा के बस स्टेशन पे लगमा ऐसे कुछ नाम है, नाम तो मुझे नहीं पता। और यहाँ से हमें लेना है हरार के लिए टिकट। भाई आई विल कम देन। चने बेच रहा है यहाँ पे भाई, चने खा के जाऊँगा अभी यहाँ पे। चने मुझे बहुत पसंद है, हरे वाले चने हैं ना, काफ़ी पसंद है मुझे। और ये है यहाँ की बसें, इथियोपिया की बसें कुछ इस प्रकार की होती है, आप लोग देख लो। इतनी ज़्यादा कोई खास लग्जरी नहीं है, इससे ज़्यादा लग्जरी तो अफगानिस्तान की बसें थी। ये यहाँ का बस स्टेशन देखो कितना क्लीन है यार, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा लेकिन जो हकीकत में है ना वो बता रहा हूँ मैं। इंडिया के बस स्टेशन मैंने काफ़ी देखे, वहाँ पे कई बस स्टेशन इतने गंदे होते हैं, हालांकि कई बहुत क्लीन भी होते हैं, लेकिन ये बस स्टेशन आप पीछे देखो बहुत जबर एकदम अल्टीमेट खूबसूरत है। तो यहाँ से मैं लेने आया हूँ हरार के लिए टिकट, 4 AM राइट। ये मोहतरमा बैठी है, यहाँ से अभी हरार का जो प्राइस है वो है 1,005 इथियोपियन बिर, यहाँ से इथियोपिया एडिस अबाबा से हरार के लिए 1,005 बिर। टिकट हो गया है, सुबह की है जो 4 बजे की बस है हमारी, सुबह 4 बजे उठना है, और 4 बजे उठना भाई इतना मुश्किल होता है ना, उस टाइम लेने इतनी जबरदस्त आती है पूछो मत।
One piece ten. Yeah. Oh, very expensive, bro. Other rice. We need two. One is enough, I think. चने मुझे खाने का बड़ा शौक है चने. ओके ओके भाई ब्रदर्स भाई अभी मेरे पास है बड़ा भैया. किधर है टैक्सी? किधर है? नहीं नहीं उधर टैक्सी नहीं है, दूसरा टैक्सी. वो टैक्सी नहीं, वेयर इज योर टैक्सी? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मेरा इथियोपिया में है दूसरा दिन. तीसरा दिन है यार, मैं परसों शाम को आ गया था यहाँ पे इथियोपिया में. और अभी मैं जा रहा हूँ हरार. हरार सोमालिया के आसपास ही पड़ता है, सोमालिया से ज़्यादा दूर नहीं है. और ये अभी हमारी बस है. यहाँ पे देखो बाथरूम करने के लिए लोग रोका है. यहाँ पे ऐसे होटल वगैरह पे नहीं रोकते हैं बाथरूम करने के लिए, जैसे अपने इंडिया में रोकते हैं ना. ये देखो यहाँ पे जो कहीं भी खुले में बाथरूम करने के लिए रोकते हैं. और सुन रहा है ना तू रोहित? ना हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रदर, हाउ आर यू ब्रो? आई एम टू गुड. और अभी ये यहाँ पे इथियोपिया का कोई शहर है बडरिया करके, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए. ये देखो ये यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं. इथियोपिया का जो ये शहर है काफ़ी बड़ा शहर लग रहा है मेरे को ये. तो कुछ तो वहाँ पे देखो टोमेटो वगैरह प्याज वगैरह सब बेच रहे हैं. ये देखो डॉन. और अभी ये सोमालिया के पास में है शायद, हम लोग मुझे ऐसे लगता है. और यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट हम लोग अभी यहाँ पे खाना पीना खाएंगे, देखते हैं कुछ अच्छा सा खाने पीने को मिलता है तो. और अभी यहाँ पे है जो हम लोग रुके हैं ये कोई रेस्टोरेंट है. मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने वाला हूँ. मिल्क कॉफ़ी नो? ओके वन कॉफ़ी. यू आना कॉफ़ी? वन कॉफ़ी. और वहाँ से देखो वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, बार भी है. और ये इधर अच्छे खासे इन लोगों ने लगा रखा है. ये है अफ्रीकन वाइब्स आ रही है अब. बहुत दिनों से अफ्रीका को मिस कर रहा था. अफ्रीका में घूमने में मुझे मज़ा बड़ा आता है, लेकिन ये है. यहाँ पे अभी एक तो ब्रेड और एग ऑर्डर किया है. इसका प्राइस है 100 birr, जो कि लगभग 150 Indian rupees के बराबर होता है. ये है यहाँ की कॉफ़ी, इथियोपियन बुन्ना कॉफ़ी. इसका प्राइस है 15 birr. और अभी हम लोग जहाँ पे हिरान सिटी है ना वहाँ पे रुके हैं. वहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं. ये क्या बेच रहे हैं? मौसमी बेच रहे हैं यहाँ पे. अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई जूस वगैरह की शॉप मिल जाए. हाय व्हाट्स योर नेम? हाउ आर यू? आई एम गुड. इसरा. ओह यू आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश. ये है कुछ हिरान सिटी के नज़ारे कुछ ऐसे हैं. कैसे हो? हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? नेम ओपचाक. माय गुड नेम. हाय हाउ मच? 10 birr. 10 birr. ये भाई अभी पता नहीं कौन सी जगह पहुंच गए हम लोग. इथियोपिया में हरार जाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, पूछो मत. ये देखो यहाँ पे छोटू क्या बीन रहे हैं कचरे से. हाउ आर यू? और ये कोई मार्केट है भाई. यहाँ पे छाट की पत्तियाँ बिक रही है. छाट की पत्ती आप लोगों को पता होगा. ये देखो ये भाई लेके जा रहा है छाट की पत्तियाँ. सो गाइस फाइनली सुबह के 4 बजे के चले हुए हैं और अब शाम का 4 बज गया. लगभग 12 घंटे की जर्नी थी. 12 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुँच गए हरार. और ये हरार सिटी के नज़ारे कुछ ऐसे हैं. और अभी यहाँ पे हमें हमारा एक फ्रेंड है वो लेने आ रहा है. तो ये देखो यहाँ पे ऑटो, इसको टुक टुक बोलते हैं ऑटोज को यहाँ पे. तो अब बस टाइम आ गया इस वीडियो को ख़त्म करने का. मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दूंगा. फिर एक हरार में यहाँ पे आयना फिटिंग होता है. आयना फिटिंग देखते हैं शाम को कैसा क्या माहौल होता है उसका, आयना फिटिंग का. वहाँ पे आयना को फिट करते हैं. वहाँ पे थोड़ा सा नाइट में 7 बजे के लगभग आयना फिटिंग स्टार्ट होता है. तो देखते हैं शाम को जाएंगे और फिर दिखाएंगे आप लोगों को आयना फिटिंग का.
दिल्ली, दिल्ली से दुबई, दुबई से एडिस, एडिस से हरार, चार जगह दिखा दी आप लोगों को एक वीडियो में यार। और ये हरार देख लो यार, वहाँ पे है जो कुछ छाट की पत्तियाँ वगैरह बिक रही है, और ये यहाँ की सड़कें, सिटी बड़ी क्लीन है। अभी आपको इससे अगला वाला वीडियो है ना वो हरार के बारे में देखने को मिलेगा, सिटी मस्त है। ये हरार है ना, ये सोमालिया के थोड़ा सा नज़दीक ही पड़ता है। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अफ्रीकन सीरीज कैसी लग रही है। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ये अपना इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी आप लोग वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं।